अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर, आप सभी लोगों का गुरुकुल अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों का ट्रेन पर सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमारा एक सेशन हुआ था ट्रेन के ऊपर, उस सेशन में हम लोगों ने ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था जो कहीं ना कहीं आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। अभी आज हम लोग ट्रेन का सेकंड आपके यहाँ पे सेकंड जो आपका सेशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो आप एक बार फर्स्ट सेशन देखें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। और अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें। अभी इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जिन क्वेश्चन पे मैंने आपको लास्ट में छोड़ा हुआ था उन्हीं क्वेश्चन से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक, नए क्वेश्चन के साथ में। और कल मैंने आपको जहाँ पे जिस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दिया था, आज मैं उन क्वेश्चन को आपको शुरुआत करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते सेशन की ओर, जय श्री महाकाल का नाम लेते हुए, जय श्री महाकाल एक बार और बोल दीजिए, जय श्री महाकाल, ठीक। फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, ज्यादा टाइम वेस्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, ठीक, फटाफट सेशन को एंड कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन जो दिया था आपको होमवर्क में दिया था, आज उसी क्वेश्चन में शुरुआत कर रहा हूँ, क्लियर सारे बच्चों को। अगर आपने कल इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया हो, सॉल्व किया तो आप मुझे उसका आंसर करें, नहीं किया तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं एक बार अच्छे से। क्या क्वेश्चन दिया गया, टू ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर है बात समझ में आ रही सभी लोगों को। द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ मैन सिटिंग इन स्लो ट्रेन इन 5 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन इज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसा है, देखो दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ियां एक समान दिशा में जा रही है, याद आया, याद आया, समान दिशा में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड घटेगी, ठीक है। ओके, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। कल ही मैंने बताया था आपको यहाँ पे, क्या बताया था, देखो कि अगर दो ट्रेन आपका सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन इधर मूव कर रही है, इसकी S1 स्पीड है और ये भी इधर मूव कर रही है S2 स्पीड से, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष गति होगी, वो क्या होगी आपके यहाँ पे, तो रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस S1 डिफरेंस ऑफ S2, क्लियर है। तो पहले मैं स्पीड देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो आपका यहाँ पे कि एक 40 से चल रही है, एक क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो यहाँ पर बचे कितना आपका 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब किलोमीटर्स को आप चेंज करो किसमें, मीटर में, तो 20 इंटू में क्या करोगे 5/18, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 बार कटा होगा, कहीं ना कहीं ये 9 बार कटा होगा, तो फिर आगे आप लिखोगे यहाँ पे कि 50/9, इसको मैंने कहा तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये क्या हो गया अभी स्पीड आ गई, क्लियर है बात सभी को। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर इसके डिस्टेंस की ओर। तो देखो जो सेकंड ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, स्लो ट्रेन चल रही, तो उस डिस्टेंस में, उस ट्रेन की डिस्टेंस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेन किसको पास कर रही है, उस व्यक्ति को पास कर रही है जो उस ट्रेन में बैठा हुआ है, ना कि उस ट्रेन को। तो उस समय हमारी जो लंबाई हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर मैं देखता हूँ तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी उस समय, तो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी आपकी यहाँ पे, फास्ट ट्रेन की लेंथ, क्लियर है। जो फास्ट ट्रेन है उसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगी आपकी यहाँ पे इस समय डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर है बात सभी को। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या टाइम दिया, 5 सेकंड, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सॉल्व कर लेते हैं, स्पीड आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 50 और बटे में कितना होगा 9, और डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एक्स है, ठीक, किसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ट्रेन की लंबाई की, और अगर आपको टाइम कितने सेकंड का लग रहा है, यहाँ पे 5 सेकंड का लग रहा है, तो इसके लिए मैंने मेंशन किया 5, अब इंटू कर लेते हैं भैया। अब आपकी यहाँ पे स्पीड हम लोग को ऑलरेडी निकल के आ जाएगी, क्लियर है बात समझ में सभी को, ठीक। ओके, सॉल्व करते देखो, तो एक्स इक्वल टू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 50 इंटू में कितना होगा आपका 5 और बटन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, आ रही बात समझ में सभी को। देखो एक की 40 किलोमीटर, एक की 20 है, तो आपका यहाँ पे 20 होगा, 20 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, देन हम लोग क्या निकालना है, फास्ट जो ट्रेन है उसकी लंबाई निकालनी है। तो फास्ट ट्रेन की अगर आप लंबाई कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 25, मतलब कितना हो गया 250 में क्या हो गया आपका 9, ठीक है। 9 से आप सॉल्व करोगे, 9 कितना हो गया 27, 3 बार तो घटेगा नहीं, तो कितनी बार घटेगा आपका यहाँ पे, ओके, तो 9 × 18 हो गया, बच गया कितने आपके यहाँ पे 7 बज गया 70 हो गया, तो 9 से 63 27 मीटर, क्लियर है।
है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और नियर बाय में कुछ भी है 27.8 मीटर, ठीक है, इतनी क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो क्या होगा। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, और कल मैंने आपको वर्क दिया था, आज नया क्वेश्चन था। ठीक, ओके, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए और जितना फास्ट हो। अच्छा, क्वेश्चन की जो लंबाई है या लेंथ वो ज़्यादा दे रखी है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं अभी बैठा हूँ, आपको सॉल्व करवाने के लिए आए हैं यार। आप एक बार ट्राई करो, नहीं आता तो आप मेरे कॉन्सेप्ट देखो, आपके कॉन्सेप्ट देखो, आप कहाँ पिछड़ रहे हो, ठीक, उस चीज़ को आप समझो। क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो फटाफट। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है पहले ही, ठीक है, और टाइमर अब एंड होने पर भी, जल्दी से सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करते चलो। आ रहा है समझ में? यार देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा मजाक मस्ती पास है, पर ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस की बात अलग होती है, जब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उस समय एक मजाक मस्ती होती है। ठीक, अभी तो आपको पढ़ना है, जितना पढ़ना है आप पढ़ो, ओके, आपका टाइम वेस्ट होता है फ्री फालतू की मजाक मस्ती, इससे क्या है कि अच्छा है कॉन्सेप्ट में आपको कुछ पढ़ाओ और कुछ अच्छा समय आपका यूटिलाइज करो अपने टाइम का। ओके चलिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको, अगर क्वेश्चन देखता हूँ तो, टू ट्रेन, मैं हिंदी में कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। दो ट्रेन दो स्थानों से एक ही समय में शुरू होती है और क्रमशः 15 किलोमीटर और प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो ये पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। आ रहे हो समझ में सभी को? क्लियर है? ओके, अब देखो मैंने क्वेश्चन में ये कहा आपको यहाँ पे कि अगर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भाई ये एक स्टेशन ए यहाँ पे रहा होगा और एक स्टेशन में इधर बना देता हूँ कौन सा आपका बी स्टेशन। क्लियर? तो एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से चल रही है आपकी, इधर से चल रही है, कोई डाउट है क्या किसी को? आई थिंक नहीं डाउट होना चाहिए। अगर ये पहले वाली 15 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, तो सेकेंड वाली किससे चल रही है आपके यहाँ पे? 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों ट्रेन यहाँ से एक समय पे स्टार्ट होती है तो एक समय भी बंद हुई होगी, पर ये अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर वाली है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच गई होगी। क्लियर? आ रही समझ में सभी को? ये कहाँ पहुँच गई होगी? यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाली ट्रेन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस वाली से, तो आप ये मान के चलो कि अगर इसने एक्स किया होगा तो इसने कितना किया होगा आपका? एक्स प्लस में 50 किया होगा, कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर सारे लोगों? और दोनों का टाइम तो क्या है? सेम ही। क्लियर है? तो अगर मैं कहता हूँ कि T1 जो ट्रेन है, सॉरी ट्रेन नंबर 1 है, उसमें का समय कितना होगा? T1 होगा, तो वही किसके बराबर होगा? T2 के, क्योंकि दोनों एक समान समय पे स्टार्ट हुई थी और दोनों एक समान समय पे क्या हो गई? बंद हो गई। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर सारे लोगों को? ओके, तो शुरुआत करते देखो अब आगे क्वेश्चन की। तो अगर पहले वाले के लिए T1 समय लिखोगे तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा आपके यहाँ पे, सॉरी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आपके यहाँ पे? तो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने समय में? 15 किलोमीटर पर आवर। एक्स बटे 15 क्या हो जाएगा इसका? आपका टाइम हो जाएगा। इसका टाइम लिखोगे तो ये एक्स प्लस में कितना लिखूंगा? 50 अधिक है, तो ये क्या हो गया आपका? 20 से डिवाइड करोगे, जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पे? देखो 3 बार कटेगा, तो ये 4 बार कटा होगा इन्हें, तो यहाँ पर कितना होगा? 4x, और इधर कितना होगा? माइनस का 3x, और इधर कितना हो जाएगा आपको? 50। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना होगा? 50 इंटू में इतना करोगे 3, तो अब अगर इस आगे सॉल्व करोगे तो एक्स करोगे कितना होगा? ये कितना हो गया आपका? 150। तो अगर एक ट्रेन ने 150 चली है तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस मेरा होना चाहिए यहाँ पर कितना, कि एक चलिए 150 और एक चली गई उससे 50 अधिक, मतलब कितनी चलेगी यहाँ पर? ये 200। तो 150 और 200 कितना हो गया आपका यहाँ पे? 350 किलोमीटर। तो दोनों आपका यहाँ पर जो दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 350 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या किसी को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपका आएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 350 किलोमीटर। ठीक, आ रहे बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट सॉल्व करो। क्लियर? आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, करते चलो यार क्वेश्चन। अभी सेम जो क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन के आधार पे ये क्वेश्चन दिया मैंने, आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है आपका।
जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं, है ना। बोरिंग तो सेशन लगता है पर क्या करें, फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। करो करो यार क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड होने पर है सारे बच्चों का। देखो मैंने क्या कहा आपको क्वेश्चन में, दो ट्रेन दो स्टेशनों से एक ही समय में शुरू होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो ये पाया जाता है कि एक ट्रेन की तुलना में दूसरे ने 30 किलोमीटर की अधिक यात्रा तय करती है, तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर, तो मैंने ऐसे लिखा कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या दो स्टेशन, एक स्टेशन मेरे पास यहाँ पर कौन सा है ए वाला है, तो एक कौन सा आपका बी वाला, ये इधर चलती है और ये किधर चल रही है आपकी इधर। अगर ये 50 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, ठीक है, और ये कैसे चल रही है आपकी यहाँ पे 55 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, तो फिर ये पाया गया कि एक ट्रेन जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस चल रही, तो ये 55 वाली ज़्यादा तेज चलेगी। तो इसने कितना किया है यहाँ से यहाँ तक, अगर आपका एक्स है डिस्टेंस यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसने कितना अधिक पाया 30, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये एक्स प्लस कितना होगा आपका 30। अब देखो जितने समय पर ये चली थी उतने समय पर ये चली थी, तो दोनों ने क्या किया एक समान समय लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका कि पहले वाले का समय T1 रहा था वही किसके बराबर होगा आपका T2 के। ये बस समझना है कि नहीं आपको कि पहले वाले का अगर T1 समय दूसरे कौन सा हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। तो दोनों का जो समय की अगर बात करते हैं, दोनों का समय क्या था एक समान समय पर चली हुई है, तो यहाँ पर पहले वाले का अगर T1 समय है तो वही किसके बराबर होगा दूसरे वाले के T2 के। अब इसको मैं क्या लिखूंगा आपका, तो भाई टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, इसके फॉर्म में लिखो। तो पहले वाले में कितना डिस्टेंस चला आपका एक्स डिस्टेंस चली और उसकी स्पीड कितनी थी आपकी 50। दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो x प्लस में कितना लिखोगे 30 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 55। 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितने बार कटेगा 11, तो 11 से कितना हो जाएगा 11x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10x और इधर कितना होगा आपका यहाँ पे 11x 10x और यहाँ पर क्या 10 से कितना हो गया 300। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना है आपका यहाँ पे निकल के 300। क्लियर सारे लोगों को, तो देखो अगर ये 300 चलिए तो ये भी कितनी चलेगी 300, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, तो टोटल डिस्टेंस मेरा यहाँ पे जो हो जाएगा दोनों स्टेशन के बीच के, तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर होगा 300 और प्लस में कितना होगा 300, 30x 30 सारे चलिए तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 630। क्लियर है, और कितना आएगा आपका किलोमीटर में, अरे बस सर ठीक। सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं आगे देखता हूं, ठीक ये रहा आपका नया वाला क्वेश्चन। अब नए वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो जितना जल्दी हो जाए, अगर नहीं आता क्वेश्चन को मैं शुरुआत करवा रहा हूं। क्लियर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कोई आपका यहाँ पे लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी इतना समय नहीं है। जल्दी से आ जाओ ठीक है, और सेशन को जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और आप कमेंट करो, जल्दी करो यार फटाफट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 22nd 27nd एंड 17nd रेस्पेक्टिवली, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 23nd द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आर, ठीक है, तो उसकी गति की गतियों का अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। हिंदी में क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से दिया गया है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है और वे एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है। तो जब कभी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आपकी कौन सी मेथड, एलिगेशन। अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूँ किसके ऊपर, आपके यहाँ पे उनकी स्पीड के ऊपर, क्लियर है, तो आप पहले मुझे बताओ, सॉरी स्पीड के लिए हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो उन पर किस पे लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, उनके टाइम के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये क्या है आपका यहाँ से फर्स्ट ट्रेन है, अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट ट्रेन के लिए लिखता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पे सेकंड ट्रेन, आर्यवसन,
और दोनों का जो ओवरऑल टाइम है वो कहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे। तो देखो पहली ट्रेन को कितना लग रहा है आपको यहाँ पे 27, सेकंड वाली कितना लग रहा है आपको यहाँ पे 17, तो बीच वाली कितना लगेगा आपको यहाँ पे 23। अरे बस में सारे लोगों को, तो नेक्स्ट में देखते हैं आपको 27 में से 23 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पे 4, 23 में 17 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 3, और 3 कितने हो गए आपके 6। क्लियर है? तो रेशियो बनाओ, तो रेशियो हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 3:2, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ फर्स्ट और ये क्या होगा स्पीड ऑफ सेकेंड। तो इनका जो स्पीड का रेशियो यहाँ पे निकल के आया कितना होगा आपका यहाँ पे 3:2 का रेशियो रहेगा। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर सारे बच्चों को? एलिगेशन मेथड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करी थी और एलिगेशन के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा कितना होगा 3:2 का रेशियो रहेगा। क्लियर सारे बच्चों के लिए? आई थिंक क्लियर हो क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन करो, थोड़ा एनर्जी लेके आओ। जल्दी से क्वेश्चन करो सॉल्व, 30 सेकंड का टाइमर है आपके लिए। क्या क्वेश्चन दिया गया आप जल्दी से सॉल्व करो। फटाफट करते चलो यार क्वेश्चन को सॉल्व। करो करो करो, है ना? अरे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन लेके आए हो, 30 सेकंड में कैसे सॉल्व हो गया? तो बैंक में तो करोगे 30 सेकंड के लिए, एसएससी में 30 सेकंड ही मिलता है, असर कितना होगा 50 सेकंड। हो गया टाइम एंड, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका टाइमर 8। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक ट्रेन दो व्यक्ति को पार करती है जो कि रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे हैं। उनकी चाल क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन इन व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 8.4 सेकंड और 8.5 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए यदि ये दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं। क्लियर है सारे लोग को? आई थिंक क्लियर है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते देखो आगे। अब देखो मैंने कहा आपको यहाँ पे कि ट्रेन की अगर मैं स्पीड मान लेता हूँ, तो ट्रेन की अगर मैं यहाँ पे स्पीड लिखता हूँ तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे? तो ट्रेन की आप स्पीड लिख दो एक्स किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या किसी में? अब अगर यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर है, अब हम लोग दोनों केस में देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में। तो पहले केस में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिखता हूँ कौन से, फर्स्ट वाले केस में। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब एक डायरेक्शन में चलेंगे ट्रेन और व्यक्ति, तो हमेशा इनकी स्पीड क्या होगी, एक दूसरे से घटेगी। क्लियर है बात? तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहेगी तो एक्स माइनस में कितना लिखूंगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए 4.5। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट वाले अगर मैं आर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकेंड वाले लिखूंगा तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, एक्स माइनस में कितना लिखूंगा आप लोग 5.4। क्लियर है? कितना लिखेंगे आप लोग यहाँ पे 5.4, x माइनस में कितना होगा 5.4। कोई डाउट है? अब ये जो लिखा गया है किसमें आपका, किलोमीटर पर हावर में, और ये भी किसमें लिखा गया आपका किलोमीटर पर हावर। अब देखो इनके लिए टाइमिंग कितना दे रखा है, तो पहले वाले के लिए आपका जो टाइमिंग दे रखा है वो है, ठीक है, 8.4 सेकंड। ठीक है, और ये T2 अगर आप टाइम लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8.5 सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मान लेता हूँ, डिस्टेंस कितना रहेगा आपका यहाँ पे, तो डिस्टेंस जो भी रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका यहाँ पे, दोनों केस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस वही रहा होगा जो ट्रेन की आपकी यहाँ पे लंबाई होगी। तो ट्रेन की लेंथ दोनों में आपकी क्या रही, सेम। तो ट्रेन अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेन की लेंथ जो होती है वही क्या होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस होता है, तो वो जो डिस्टेंस है तो दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम रहा होगा। क्लियर है? अगर दोनों केस में ट्रेन ही पार कर रही है, एक ट्रेन दो व्यक्ति को, तो दोनों की जो ट्रेन, दोनों केस में जो ट्रेन है वो दोनों केस में ट्रेन क्या कर रही है, अपने ही डिस्टेंस को पार कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपका यहाँ से कि D1 इक्वल टू क्या रहा होगा आपका, D2। अब डिस्टेंस क्या लिखते हैं आप, तो स्पीड इंटू क्या लिखते हैं टाइम, तो वही क्या होता है आपका डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे देखो कि एक्स माइनस 4.5। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पे 5/18 का इंटू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटू कितना हो गया 8.4, और बराबर में लिखूंगी आप लोग यहाँ पे एक्स माइनस में 5.4, और इस पूरे के इंटू में हो जाएगा आपका कितना 8.5। कोई डाउट है क्या सारे लोग? ठीक, आ रहे हो सर? मल्टीप्लाई कर लो 8.4 और x माइनस 4.5 इंटू में कितना होगा 8.4
और इधर लिखोगे आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 8.5x माइनस में लिखोगे आप लोग 5.4 इंटू हो गया 8.5। क्लियर, इसको उधर लेके चलो। अगर आप उधर लेके चलोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इसको करो तो 0.1 और x बराबर कितना होगा, इधर करते हैं देखो, -5.4 इंटू में कितना होगा 8.5, और ये प्लस हो जाएगा आपका कितना 4.5 इंटू में कितना होगा 8.4। क्लियर है, तो दोनों को फटाफट सॉल्व करते हैं देखो। अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो क्या होगा नेक्स्ट में, तो इसको सॉल्व करते चलो, मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका यहाँ पे, इसको बराबर सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए आप सॉल्व करो। ठीक, जल्दी से बताओ क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 45.90 माइनस में, फिर प्लस कितना करोगे आपका यहाँ पे, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पे 44.5 इंटू कितना 8.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतना 37, और ये पॉइंट में कितना होगा 80। क्लियर है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4590। ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका यहाँ पे, माइनस में इसको लिखोगे 30 40, ओके अच्छा 45, तो यहाँ पर कितना होगा 8.10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0.1x बराबर है। ठीक है, तो आप x बराबर कितना लिखोगे इसको, तो x बराबर आप लिखना चाहोगे तो 810 और बटन कितना होगा 0.1। ठीक है, पॉइंट्स पॉइंट आप कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पर एक जीरो ऊपर लगा दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। क्लियर, आ रहे समझ में सारे लोग? अच्छा, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा था, कोई बात नहीं है, दिस द कैलकुलेशन इज टू मच हाई। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन का था पर सॉल्व करते चलो। ठीक, नेक्स्ट वाले हमारे साथ सॉल्व करते चलो, ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। करो करो सॉल्व यार, जल्दी से करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना सॉल्व करना, जल्दी से करो। पांच से छह क्वेश्चन करवाएंगे बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं ट्रेन के। करो पर क्वेश्चन सॉल्व फटाफट करते चलो यार, क्वेश्चन को सॉल्व। आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ थक गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, फिर भी मैं आपका सेशन ले रहा हूं। हो गया, चलो टाइमिंग एंड करते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए स्टार्ट साइमल्टेनियसली, आफ्टर दे मीट द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours एंड 16 hours रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। ठीक है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखो, जब कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर क्या दिया गया, मैंने यहाँ पर इस तरह से मैं बना लेता हूँ, ये दो क्या है मेरे पास स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक क्या है बी है। अब इधर से आपकी यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है S1 स्पीड से और एक चल रही है आपकी किससे, S2 स्पीड से, एक दूसरे की ओर। तो यहाँ कहीं पे अगर जहाँ पे मिलेगी तो इसके मिलने के बाद इसने कितना समय लिया डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद, T1 समय, इसने यहाँ पे क्रॉस करने के बाद कितना समय लिया आपका, T2 समय। क्लियर है, तो अगर मुझे यहाँ पर ये इनका समय दर्शाना होता है कि इसके रेशियो के फॉर्म में, ठीक, या फिर स्पीड रेशियो के फॉर्म में, तो हम लोग किस तरह शो करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जस्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि S1 अपॉन S2 स्पीड ऑफ रेशियो, वही बराबर होता है किसके आपके यहाँ पे, वो आपका इस तरह से होता है देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, ठीक है, सॉरी अंडर द रूट में T2 अपॉन T1। कोई डाउट है क्या? इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको हमेशा क्या करना है, रिमेंबर करना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है, मैं एक क्लास और लूंगा उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे कैसे है। तो S1 अपॉन S2 हम लोगों को चाहिए, तो S1 अपॉन S2 और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16, T1 की वैल्यू कितनी है, 9 है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो S1 रेशियो ऑफ S2 कितना निकलेगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4:3। क्लियर है, तो आपका आंसर रहेगा 4:3 का रेशियो रहेगा उनकी स्पीड में। क्लियर है ये बात सभी को, आई थिंक क्लियर हो गई। ठीक,
सेशन अच्छा लगे तो एक थम्स अप शो करें और लाइक करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करो, जल्दी से करो क्वेश्चन। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से करो यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं है ना, पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही करवा रहे हैं क्योंकि ये बैंक लेवल के क्वेश्चन है या एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, प्री के तो क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स में हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अरे बस समझ में सारे लोगों को, चलो फटाफट करो यार क्वेश्चन सॉल्व करके चलो, है ना, बोरिंग सेशन तो नहीं लग रहा है? बोरिंग हो रहा है तो कुछ जॉक्स हो जाए ऐसा कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो टाइमिंग एंड करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर, ठीक है 450, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 4 PM एंड ट्रेवल्स टुवार्ड्स अमृतसर एट 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बी ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अमृतसर एंड ट्रेवल्स टुवार्ड्स दिल्ली एट 3:20 PM एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम दे नीड। ठीक, क्वेश्चन आया समझ में? देखो हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन होती है, ठीक है, अब दोनों ट्रेन क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे, एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती है, एक दिल्ली से चलती है और एक अमृतसर से, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। देखिए क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। ठीक है, ऑलरेडी देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आपको बता चुका हूँ, मैं डायरेक्टली इसको हिंदी बता देता हूँ। मैंने कहा आपको यहाँ पे कि भैया ये दो सिटीज है, एक मेरे पास क्या है यहाँ पे दिल्ली है और एक मेरे पास यहाँ पे क्या है अमृतसर है। ठीक है, अब दिल्ली और अमृतसर अब दोनों के बीच में कितना किलोमीटर्स का आपका डिस्टेंस है, 450 किलोमीटर्स है, क्लियर है? अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन है ये 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, क्लियर है बात सभी को? अरे वो सर, अब ये जो है ये किससे चल रही है आपके यहाँ पे, ये जो चल रही है ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अरे वसन, और ये 3:20 पे चलती है, तो ये कितने बजे चलती है आपकी, 4 बजे चलती है, कोई डाउट है क्या? ये इस डायरेक्शन चल रही है और ये इस डायरेक्शन, तो अब हम लोग को ये बताना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा 80 किलोमीटर पर आवर से, ओके सॉरी ये ए वाली जो है ये 3, ये कितना 80 है, ओके कोई डाउट नहीं, इसको आप थोड़ा चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है, ये किससे चल रही है 80 किलोमीटर। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बेसिक से तो मुझे क्या होता, बहुत डिफरेंट लगेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 450 किलोमीटर है, अब ये 3:20 पे चलती है ट्रेन और 4 बजे ये क्या 40 मिनट लेट चल रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इस ट्रेन को आप 40 मिनट पहले करोगे, 40 मिनट अगर आप पहले चलाओगे, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो एक घंटे में कितनी जल्दी 60 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना चलेगी आपकी यहाँ पे, बराबर ही चलेगी आपकी 40 किलोमीटर, वो डाउट है क्या? तो अब आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 किलोमीटर ये और चल लेगी, मतलब कितना हो गया आपका 490 आ रहे बस वन में, तो ये भी अब कब स्टार्ट हो जाएगी, 3:20 पर ये स्टार्ट होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 3:20 पर स्टार्ट होगी, क्लियर है कि बात समझ? तो अब इनका टाइम क्या हो गया, सेम हो गया, तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल आपका डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका कितना 490, वो डाउट है क्या? और आपका ये बताओ कि अब मुझे ये बताओ कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है यहाँ पे तो एक 60 से और एक 80 से, 60 और 80 कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 140 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था, टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 490 और बटे में कितना होगा आपका 140, तो इसको कैंसिल आउट करोगे, 14 से कितने बार कटे, 14 3 42, ठीक है 14 3 कितना हो गया आपका 42, अब 42 और यहाँ पर कितना हो गया 3.25, ठीक है, अब 3.25 का मतलब ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि 3 घंटे और ये 25 मिनट नहीं है, 3 घंटे 25 मिनट नहीं है, तो 3 घंटे तो आपके पूरे हो गए, क्लियर। अब इसको मैं अगर मिनट में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा आपका 0.25 इंटू में क्या करोगे 60, तो ये कंप्लीट हो जाएगा कितना 3:00 आपका 15 मिनट, क्लियर, टोटल टाइम इनको इतना लगेगा, तो ये तो क्या हो गया इनका टाइम, तो 3:15 3 घंटे 15 मिनट हो गया, तो अब कब से चले थे, 4:20 से, फिर 3:20 से चले हुए थे, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय और जोड़ दो, तो कब मीट करेंगे, तो मीटिंग समय हो जाएगा इनका बीच में, तो मीटिंग टाइम अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितना होना चाहिए आपका, देखो
मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा आपका? 3:20, ठीक है। 3:20 से हम लोग कितना जी, 3 घंटे, आपका कितना 15 मिनट और चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे तो ये हो गया आपके 15 और 3 35, और यहाँ पर हो जाएगा 6:35 पे। तो 6:35 पे क्या होंगे, वो एक दूसरे को मीट करेंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? देखो सीधी सी बात ये थी कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता, इसको 4 बजे चलाता, तो ये क्या होता, मेरा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता क्वेश्चन का। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे 60 किलोमीटर पर घंटे, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही। 40 मिनट अगर ये पहले चली होती, 40 किलोमीटर अधिक चली होती, तो अब हम लोगों ने दोनों का टाइम सेव कर लिया। आ रही बात समझ? क्वेश्चन क्लियर है? नाउ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ, जल्दी जल्दी करते चलो यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। मेरा यही उद्देश्य है कि आप कम से कम समझ जाते ज्यादा क्वेश्चन को। क्लियर? फटाफट करते चलो, 4 क्वेश्चन की मैं और आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बेसिक में करवा चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जल्दी से करते चलो यार फटाफट, ठीक है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे यार, ठीक है। आपके ही मोटिवेशन से हम लोग कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं कि भाई चलो ठीक है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। एजुकेशन ऐसा है, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ोगे बढ़ेगा, और अगर आप उसको रखे रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर? तो बांटने से बढ़ता है और नहीं बांटोगे तो घटेगा ही सही। चलिए टाइम आपका एंड हो गया है, स्टार्ट करते क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, ए एंड बी आर 285 किलोमीटर अपार्ट, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 9:30 AM एंड ट्रेवल्स टुवार्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 10:30 AM एंड ट्रेवल्स टुवार्ड्स ए एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम दे मीट ईच अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे ये कह रही है, देखो दो स्टेशन है हमारे पास में, और दो स्टेशन क्या है आपके यहाँ पे, एक स्टेशन ए है तो एक स्टेशन हमारा क्या है, बी। अब एक स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है, दोनों के बीच में कितना आपका टाइम यहाँ पर है, तो 285 किलोमीटर अपार्ट है। क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने कहा आपका यहाँ पे कि फर्स्ट वाली ट्रेन कब स्टार्ट हुई, 9:30 पे स्टार्ट हुई थी। क्लियर? और ये किससे चल रही है आपकी यहाँ पे, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। आ रही क्वेश्चन? और ये वाली जो ट्रेन है ये 10:30 पर स्टार्ट हुई है, और ये किस स्पीड चल रही है आपकी यहाँ पे, 40 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है? आ रही क्वेश्चन? अब देखो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो इसको मैं पीछे ला सकता, इसको आगे ले जा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 9:30 बजे चली है, तो ये 1 घंटा क्या पहले चली, तो इसने ए वाली ट्रेन जो है, ए ट्रेन, उसने क्या किया आपके यहाँ पे 1 घंटे में, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 1 आवर में उसका जो डिस्टेंस हो जाए कितना होगा आपके यहाँ पे, 10:30 तक। भाई आप डायरेक्टली कहोगे भाई 60 किलोमीटर हो गया होगा, तो ये यहाँ से चल के कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंच गई कहीं ना कहीं 8 डेज पर। क्लियर बात समझ? तो आप मुझे ये बताओ अब हमारे पास में रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है आपका यहाँ पे, शेष दूरी। तो रिमेनिंग अगर आप डिस्टेंस लिखते हो, ठीक है, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, 285 में से आप घटा दो 60 को, तो आप कहोगे भाई साहब की 285 डिस्टेंस थी टोटल, उसमें 60 तो ए ने कवर कर लिया, तो अभी कितना बचेगा आपका, 215 कि 25, ओके 215 आई थिंक, 15 और 60 75 25, ओके सो सॉरी 25 बचेगा, 225 आपका क्या होगा अभी बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 225। अभी 225 किलोमीटर आपका डिस्टेंस बचा हुआ है, ये बात सबको क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्पीड की बात करते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है एक दूसरे के, एक दूसरे की तरफ आपके अप्रोच कर रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो 40 प्लस में 60 कितना हो गया आपका यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 225 इज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है? तो ये कितना होगा 2.25। क्लियर? 2.25 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें 60 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। कोई डाउट है क्या? 2 घंटे 15 मिनट कब से जुड़ेंगे आपके यहाँ पे, वो जुड़ेगा आपके यहाँ पे 10:30 से। 10:30 से 2 घंटे 15 मिनट तो कितना हो जाएगा आपका, 12 बजकर कितना होगा 30, और ये 15 कितना होगा, 12:45, 12:45 होगा, सही है, करेक्ट है, 10:30 से 11:30 12:30 और ये 12:45 आपके यहाँ पे, ये इतने बजे आपके पहुंच जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया उनका मीटिंग टाइम, कोई डाउट है क्या? तो 12:45 तो एक दूसरे को क्या करेगी, मीट करेगी, कोई डाउट है क्या? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कब से जोड़ूंगा आपका, 10:30 से जोड़ेंगे, क्योंकि 10:30 से तो उन्हें क्या हुई थी, एक साथ स्टार्ट हुई थी। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आप उतना जल्दी सॉल्व करते चलिए। आ रही बस समझ में? चलिए जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन को, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में इस तरह के लेके आया हूँ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो।
जल्दी जल्दी इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं और मिलने वाले नहीं है ना। फटाफट करो यार, जितना अच्छा आप करोगे परफॉर्मेंस हमें भी उतना अच्छा लगेगा, भाई आपको कुछ अच्छा कर रहे हो। जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी से फटाफट। चलो टाइमर एंड करते हैं। ओके आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि अभिनव लिव्स मुंबई 8:06 AM एंड रीचेस बैंगलोर 8:10 AM, प्रवीण लिव्स बैंगलोर 8 AM एंड रीचेस मुंबई 11:30 AM, एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखता हूँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरी ये कह रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास दो सिटी है, एक तो क्या है मुंबई है, अरे बस एक क्या है आपकी यहाँ पे बैंगलोर है, मुंबई और एक क्या हो गया आपकी यहाँ पे बैंगलोर, क्लियर है। अब देखो अभिनव इधर से चला है, उधर से कौन चला है प्रवीण, तो ये मुंबई से चला है कौन है आपका अभिनव, ठीक है, तो ये अभिनव चला है और ये कौन है आपका प्रवीण चला है, ये दोनों ये इधर चलेगा तो ये किधर चलेगा आपका इधर चलेगा, कोई डाउट है क्या। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कब चला है आपका यहाँ पे 8 AM में चला है यहाँ पे से, और ये कब पहुंचेगा यहाँ पे 10 AM में, ठीक है, और ये इधर से कब चला है आपका यहाँ पे से, तो ये जो है आपका यहाँ पे चला है, देखो ये जो है आपका कब चलेगा, देखिए क्या दिया गया, ये 10 AM में, तो ये कितने बजे चला है आपका यहाँ पे से, ओके सॉरी ये 6 AM में चला था, ओके कोई बात नहीं यार हो जाती है मिस्टेक्स, आप टेंशन क्यों कर रहे हो यार। ये कब से चला है आपका 6 बजे चला है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और चेंज कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूँ, अब तो दिख रहा है विजिबल हो रहा है, ये आपका एक प्लेस है कौन सा आपका यहाँ पे मुंबई, ठीक है, और ये कौन सा आपका यहाँ पे बैंगलोर है, क्लियर है। अब इधर से कौन चल रहा है आपका अभिनव, अगर यहाँ से अभिनव चलेगा तो अब अभिनव यहाँ पे चला है, और यहाँ पर से कौन चला है आपका प्रवीण, क्लियर है बात समझ में सबको आ रही। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कितनी बजे चला है आपका 6 AM में चला था, और ये कब पहुंचा है यहाँ पे फिर 10 AM में, तो ये जब चलेगा आपका इधर से, तो ये सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तो ये कब चला है आपका यहाँ पे 8 AM में, क्लियर, और ये कब पहुंचा है आपके यहाँ पे 11:30 AM में, क्लियर। तो अब देखो इसको टाइम कितना लगा है आपका यहाँ पे, तो अगर इसका टाइम T1 में लिख देता हूँ तो इसको कितने घंटे हो गए 4 घंटे, इसका टाइम मैं T2 लिख देता हूँ तो ये कितने घंटे हो गए आपके यहाँ पे 3.5 3.5 घंटे, आ रहे वसन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सेम डिस्टेंस के लिए क्या होता है आपका यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सेम डिस्टेंस जब भी होती है तो क्या होती है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा कम होगा, आ रहे वसन। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो इसकी S1 स्पीड क्या हो जाएगी, S1 जो हो जाएगी वो कितनी होगी, इसका अपोजिट T2 है तो S1 हो जाएगी 3.5, तो S2 कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, वो हो जाएगी आपकी 4, क्लियर है ये बात समझ में सबको आ रही। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टोटल डिस्टेंस हमारे बीच में कितनी है, उनके बीच में टोटल दूरी, तो टोटल अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हम लोग और देख लेते हैं। देखो स्पीड इंटू टाइम किसी एक से निकाल लो, तो यहाँ पर हम S1 इंटू T1 कर ले, क्लियर है बात समझ में, तो S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3.5, और इंटू कितना हो जाएगा 4, तो टोटल कितना हो गया आपका 14 किलोमीटर, क्लियर, 14 किलोमीटर, एक तरह से ये क्या है आपका नॉट एक्चुअल है बट आपका ये अनुपात में। अब मुझे ये बताओ कि जब ये बंदा 8 बजे चलेगा, सॉरी 6 बजे चला है, तो 6 बजे के बाद में ये 8 बजे तक 2 घंटे चला होगा कौन सा आपका यहाँ पे, ये अभिनव, तो अभिनव ने 2 घंटे में कितनी दूरी कितने करी, तो 2 घंटे में किसके लिए, मैं अभिनव के लिए लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो 2 घंटे में अभिनव की दूरी कितनी हो जाएगी, तो अभिनव ने जो दूरी तय करी है वो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे, 1 घंटे में चलता है 3.5, तो 3.5 इंटू कितना होगा आपका 2, बराबर कितना चलेगा आपका यहाँ पे 7 किलोमीटर, एक तरह से अनुपात में। तो आप मुझे बताओ कि अब शेष दूरी कितनी बचेगी उनके बीच में, तो शेष दूरी जो 14 थी उसमें से कितनी अब 7 गई, तो 14 - 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो आप बराबर की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक दूसरे के, तो 4+ में कितना होगा 3.5, नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 7.5, कोई डाउट है क्या, किलोमीटर्स पर आवर, एक तरह से ये क्या है अनुपात में। तो अब मुझे टाइम कितना लगेगा इनके बीच में, तो 7 और बटे में कितना होगी आपका 7.5, और इंटू कितना करोगे आप लोग 60, क्लियर, मिनट में चेंज करने के लिए कोई डाउट है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करोगे
तो 15 × 75, 15 × 60, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। 7 × 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 600, और बटे में कितना हो गया आपका 75। 15 × 60 और 15 × 5 = 75, ठीक है। 5 × 5 = 40, 7 × 2 कितना हो गया आपका 56 मिनट, क्लियर है। तो अब देखो 56 मिनट कब से काउंट करेंगे हम लोग, 8 बजे से। तो उनका मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 8 बजकर 56 मिनट, क्लियर है भाई। कुछ भी क्वेश्चन में था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, केवल ये आपको बताना था कि वो कब मिलेंगे। तो 8 बजे से पहले 2 घंटे कौन चलेगा आपका अभिनव, तो 2 घंटे में 7 किलोमीटर चल लिया होगा वो, 7 अनुपात की दूरी बच गई आपकी, 7 किलोमीटर की दूरी। उसको कौन ट्रेवल करेंगे, दोनों ट्रेवल करेंगे, 7:30 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उनको 56 मिनट लगेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, आ रहा है क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं इसी के बेसिस पे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आपको 30 सेकंड का टाइमर दे रहा है, बस जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाओ, बना चलो यार फटाफट करो क्वेश्चन को, करने चलो क्वेश्चन को यार। चलो फटाफट करो करो। हाँ चलिए, आपका टाइम 8 होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स टुवार्ड्स वाई एट 10 AM, ठीक है। बी स्टार्ट फ्रॉम वाई टुवार्ड्स एक्स एट 11 AM। इफ दे रीच देयर डेस्टिनेशन एट 12 PM एंड 5 PM रेस्पेक्टली, एट वॉट टाइम दे विल मीट ईच अदर, क्लियर है। ये बात सबको समझ में आई, क्वेश्चन ऐसा है देखो हिंदी में, हिंदी में आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से दिया है, देखो दो डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है यहां से यहां तक की, ठीक है। एक डिस्टेंस मेरे पास क्या आपके यहाँ पे से, ये ए स्टार्ट हो रहा है किससे, एक्स से, और यहां पर क्या आपके वाई है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे बी से बी स्टार्ट हो रहा है इसको इधर से, क्लियर है सारे लोगों को। अब ये जो आपका एक्स, ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स टुवर्ड्स वाई एट 10 AM, ये कितनी बजे चला आपका यहाँ पे, 10 बजे, और कितनी बजे पहुंच रहा है, 12 मतलब 2 PM में, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ बी, तो बी जो स्टार्ट हुआ है वो कितनी बजे से स्टार्ट हुआ आपका यहाँ पे 11 AM में, ठीक है। अभी 11 AM से चलेगा ये, 10 AM से इधर चल रहा है, अभी 11 AM से इधर चल रहा है, ठीक है। आ रही है, अब नेक्स्ट मैंने कहा तो ये कब पहुंच रहा है आपका यहाँ पे, 5 PM में, क्लियर। तो अब मुझे बताओ किसको कितना समय लगेगा आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कितना समय लगा आपका यहाँ पे, 10 से 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 4 घंटे। इसको कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो इसको T2 अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। तो ये क्या होता है, इनका स्पीड का अपोजिट हो गया। तो S1 कितना लिखोगे फिर आप लोग, 6 लिखोगे, तो S2 कितना लिखोगे अब आपका यहाँ पे, तो S2 जो जाएगा कितना हो जाएगा, 4, क्लियर है। अभी 10 बजे चला है 11 बजे, तो दोनों को 11 बजे कर ले, ठीक है। तो ए 1 घंटे में कितनी दूरी करेगा ते, तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, दूरी तय कितनी हो जाएगी इसकी, तो 1 घंटे में दूरी जो तय करेगा वो कितना करेगा आपके यहाँ पे, 6 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या, ठीक। अब 6 किलोमीटर अगर ही करेगा तो टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप कहोगे तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, तो टोटल डिस्टेंस होती है S1 × T1 में, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी S1 × T1। तो देखते भैया S1 की वैल्यू कितनी दे रही थी आपको, 6, तो T1 कितना है आपका यहाँ पे, 4, तो 6 × 6 कितना हो गया आपका, 24, क्लियर है बात। अब देखो दोनों की हम लोग स्पीड और कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर। तो S अगर आप निकालोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस क्या होगा, S2, तो ये कितना होगा आपका, 6 + 4 बराबर कितना होगा आपका, 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर बस। अब मुझे ये बताओ कि शेष दूरी क्या हो गई आपकी यहाँ पे, तो शेष दूरी अगर आप कहोगे यहाँ पे कि शेष दूरी कितनी बच गई, तो शेष जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारे पास में, टोटल 24 थी तो उसमें 6 चल लिया, तो 24 में 6 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 18 किलोमीटर। अब मुझे टाइम चाहिए, दोनों अब चलना स्टार्ट किए कितनी बजे से आपके यहाँ पे से, 11 बजे से, तो 18 और बटे में कितना हो गया आपका, 10 बराबर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको टाइम इसमें ले लेते हैं अपन लोग घंटे में, है ना। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे, 18, और ये हो गया आपका यहाँ पे 10, और इंटू क्या कर लो इसको, 60 और कर लो, ठीक है। तो ये कटेगा आपका यहाँ पे 6 बार, 18 × 6 = 108, सॉरी अभी इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, आपको थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 9 बटे में कितना होगा, 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 कितना हो गया, 5, 1 घंटा दिया हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर कितना बच गया आपको यहाँ पे, 4 बटे में 5,
चार बटे पांच और एकदम कितना लिख दो आप 60, तो ये कितने बार कटेगा आपको, 12 बार चो कितना होगी 48, मतलब क्या होगा 1 घंटा 48 मिनट। अब 1 घंटा 48 मिनट कब से काउंट होगा आपका, यहाँ से 11 बजे से। तो उनका मीटिंग टाइम जो जाएगा वो मीटिंग टाइम कितना होगा आपका यहाँ पे, तो मीटिंग टाइम की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखो 11 बजे से स्टार्ट हुई तो 11 से कितना होगा 12, ठीक है 12 48 क्या होगा उनका मीटिंग टाइम होगा, ठीक। और कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ कहीं बीच सेंटर मिलेगा वो 12 बजे में, सभी को क्लियर है, ओके वेरी गुड, अगर सबको क्लियर। 12:48 क्या हो जाएगा उनका मीटिंग टाइम हो जाएगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो, ठीक। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर आपको नए क्वेश्चन के साथ का थर्ड पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं ट्रेन का, और उसी में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।